और प्रिय भक्तों जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड दोहा क्रमांक 26 से आगे अर्थ सहित दोहा क्रमांक 26 से आगे जो युद्ध में इसको जीतने की आशा करता जीतने की आशा करता हो अब दे रानी मंदोदर रावण को समझा रही है सबका बल बता रही है पीत वरन हो गया उपहारा बाल अरुक्षण मारिच जस कूटी निश्चर निकर तब चाह छूटी। अब इस अपार युद्ध को देखिए जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है जैसे प्रात काल की लाल किरणें फूटती हो और राक्षसी रूपी अंधकार का नाश करना चाहती हो। चौबीस ही अब दैन कारा है जूजा सहस बंद सम कोट समूहा सिला सहल जे आगे परई पायन मार्द गाद सम करही। इनका समूह 24 अरब का है सहस्त्र बुद्ध के समान इनका करोड़ों का समूह है जो शिला व पर्वत आगे पड़ते हैं उन्हें ये पांवों से मसल कर गर्द के समान कर देती हैं। कैसे इतने कर रहे हैं भगवान तेरी माया कंचन गिरी कंदर वासी इन कर यूत नाते अविनाशी अति बल वाच बा कर हित कारी सकाह सुकंठ केर सुखकारी। ये सब सुमेरु पर्वत की कंदार के वासी हैं। इनका युद्धपति अविनाशी है यहाँ अति बलवान इंद्र का हितकारी है और सुग्रीव का सुखदायक मित्र है। राम पान करे गंगा करे नीरा पर्वत संग समान शरीरा छिन छिन सिंह नाथ जो होई घर जते आवते हैं कपि सोई। यह गंगा का जल पान करता है और पर्वत सिंगा सिंह के समान इसका शरीर है जो क्षण क्षण में सिंहनाद होता है सो यह वही बानर गरजता चला आता है। यस तेहु मंगल नित गजे बल कर नहीं नान यह कपि राजा के तेरी सुमन जा सु हनुमंत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। त्रिलोकी में जिसका यश फैल रहा है इसने अनेक हाथी मारे हैं बल का अंत नहीं है यह वे ही वानरों के राजा केसरी हैं जिनका पुत्र हनुमान है। जय श्री राम ओ तारे देसायो देखो रज धानी जन कुदाल किस लब उड़ानी मारे कटिन कर बिकल बल टूटे
आवत उदत कोल जन छूटे। अब इस राजधानी से, इस राजधानी से उत्तर की ओर देखिए, मानो कुदाल के निमित्त टेढ़ी टिड्डी उड़ती है। वानरों के समूह बड़े बड़े बली ऐसे चले आते हैं, मानो समुद्र के किनारे छोटे चले आते हैं। यही दल यूत नाहत जो आई, अति बलवान राज संग राई। कपि के रूप अनिल अविनाशी, यह दो अपार पात्र के वासी। के वासी इस दल का जो यूथनाथ है, वह बड़ा बली है और राजा के संग रहता है। कपि के रूप में साक्षात अविनाशी अग्नि ही है। यह दोनों परिपात्र के रहने वाले। अति सुंदर अरु समर बिंदे विवक्षा, महाबली दो गायब गाविक्षा। ये दो गर जत अतिरण धीरा, पीबे तुंग भद्र को नीरा। अति सुंदर और युद्ध में बड़े प्रवीण महाबली ये दोनों गायब गवाक्ष हैं। ये दोनों रणधीर जो गरजते हैं, सो तुंगभद्रा नदी का जल पीते हैं। सत्तर साहस नाग बल जाई, इनमें एक कहो मैं ताई। अपार बली गाद मादन नामा, रण अजय पुन सब गुण धामा। इनमें एक को 70,000 हाथियों का बल है। उसे मैं कहता हूँ इस बली का गंधमादन नाम है, रण में अजीत और फिर सब गुणों का धाम है। सब विवध बिंदु मैं तेजन मैं जसुभान, पानस नाम यह बानर अति बल नीति निधान। लखन शिया चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान की जय। देव न आंगों में जैसे इंद्र, तेजों में जैसे सूर्य, ऐसे ही है पानिस नाम वानर अत्यंत बली और नीति का घर है। यह जो कुविद पत्र समय दिया, जस के लाश सारद कर मिया। लोचन मधु पिंगल अति लोनी, काम रूप चितवत चौकोनी। यह जो मुकुद बबूल के पात्र के समान देह वाला, जैसे कैलाश के ऊपर सारद का मेह होता है, जिसके नेत्र मधु पिंगल भूरे हैं और सुंदर काम रूपधारी चारों कोनों को देखता है। लंका सोए लंगूर फिराई, घर जत प्रलय मेघ की नाई। सुरपति सांत युद्ध कह गाऊ, तब से काम रूप है गाऊ। लंका की और लंगूर फिराता है और प्रलय लीन मेघ के समान गरजता है। यह इंद्र के साथ दैत्यों से युद्ध करने को गया था, बस
तब से ही काम रूप हो गया, अर्थात जो चाहना है वही रूप धारण कर लेता है, जो मन में आ वो रूप धर ली है। तो बलवान है मेरे सब्जेक्ट। माधव सन कीन मिताई, करे सदाय देव सहाई, साहस कोट कपि यही के संगा, रात पीते सपित बहु गंगा। इंद्र ने ऐसे मित्रता कर ली है, यह सदा देवताओं की सहायता करता है। हजार करोड़ वानर इसके साथ हैं, जो लाला लाल पीले सफेद अनेक रंग के हैं। वचन मिर्गा मम प्रभु यही नाही, अपार बाली जानहु मन माही, दादुर चैल सदन यही केरा, मन बचन कर्म राम कर चेरा। हे प्रभु, यह मेरा वचन झूठा नहीं है, ऐसे आप अपने मन में दूसरा बाली ही जानिए, इसका दर दूर पर्वत में स्थान है। यह मन वचन कर्म से राम का चेला है। घेरे वर लांझ आवते चलते उड़ावत रैन, तारणि तेज इन रूप धीउ, तारा तनय सुचेनु लखन सिया, चंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, जय हनुमान।